हेलो फ्रेंड, मैं हूँ गणेश। होममेड एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आगे तो दिवाली आने वाला है, तो मैंने सोचा क्योंकि दिवाली के लिए हमारे सब्सक्राइबर के लिए कुछ मस्त तरीके का वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पर मैं एक एलईडी बल्ब को मल्टी कलर एलईडी में बनाया है, बहुत अच्छा ब्राइटनेस देता है। इसको बनाने में आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल 55 रुपये में ये बनकर रेडी हो जाएगा। और इसको बनाना बहुत ईजी तरीके से ये बन जाता है। यहाँ पर 4 से 5 कलर देते हैं, तो आप वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में एक मल्टी कलर का एलईडी बनाएंगे। बिल्कुल सस्ता जुगाड़ है, बिल्कुल ये आपका 50 से 60 रुपये में खर्चा होकर बन जाएगा। और इस एलईडी को बनाना बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जो पिछली वीडियो में बनाया था हाउ टू मेक ए रिपेयर एलईडी बल्ब, उस एलईडी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये देख सकते हो, ये मल्टी कलर का एलईडी, ये मुझे 55 रुपये में मिला था ऑफलाइन मार्केट से। अभी तक तो ये ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है, मैं ऑनलाइन से भी सर्च किया था लेकिन ये मुझे नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, आप जो पिछली वीडियो जो था अभी तक नहीं दिखा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट लगा दूंगा, और ये हिसिंग का एक पेस्ट आता है लेकिन वो मुझे नहीं मिला था, तो मैं यहाँ पर कोलगेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मल्टी कलर का एलईडी था उसको यहाँ से चिपका दूंगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, उसका कनेक्शन बहुत इजी है। तो यहाँ पर मैं एक फेविक्विक का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको अच्छे से चिपकाना है, नहीं तो ये हाथ में निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी फेविक्विक का यूज कर रहा हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पर आप ग्लू गन मत यूज कीजिएगा, नहीं तो ये बाद में निकल जाएगा और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसको ऊपर बहुत अच्छे से ग्लू लगा कर चिपका दिया हूँ। और ये अब उसका कनेक्शन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डीओ भी है, मल्टी कलर का डीओ भी आता है, कोई भी ड्राइवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड, यहाँ पर एल और एन लिखा हुआ है, इसमें कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एल और एन से ही कनेक्शन करना है। और फ्रेंड्स, जो मेरा पिछली वीडियो दिखा है जो एलईडी बल्ब का रिपेयर कैसे करना है, तो उसके कनेक्शन कैसे करना है उसको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद मैं एक और भी वीडियो बनाया था चाइनीज एलईडी बल्ब को किससे इंडियन एलईडी बल्ब बनाते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वो एसी से नहीं चलेगा, डीसी से ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एल और एन पे कनेक्शन कर दिया हूँ, और उसके अब टेस्टिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा 220 वोल्ट में ही कनेक्शन दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं होल्डर से कनेक्ट कर दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर होल्डर कनेक्शन किया, और मैं इसको सीधा 220 वोल्ट दे दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक पिंक कलर का एलईडी आ रहा है, और उसके बाद देख सकते हो ये ब्लू कलर का एलईडी, और ये देखो रेड कलर का एलईडी आता है। उस एलईडी का बहुत अच्छा ब्राइटनेस है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो इसका कलर कैसे चेंज होगा, वो इसको जब आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे उसके बाद ये कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो देख लिया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।